हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एक्सेल। आज हम बात करेंगे एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की कोर्स के बारे में। अगर आप एमआईएस की तैयारी करने जाते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या क्या चाहिए ये आप किसी और से पूछने से अच्छा आप naukri.com पे सर्च करें। जी हाँ, naukri.com पे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एमआईएस की जॉब पे क्या क्या चाहिए होता है। तो आप सर्च कीजिए एमआईएस, यहाँ पे एमआईएस। तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव एमआईएस फ्लिपकार्ट में है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कंपनी भी ध्यान रखिएगा। क्या आता है कि बहुत सारे कंसल्टेंसी कंपनी होती है, जैसे कि इसी को देखिए, ये यहाँ के आपका आता है डीड कंसल्टेंट सर्विसेज, तो ये आपका हेल्थ केयर सही है, ये कंसल्टेंसी सर्विस है। इससे क्या होता है कि वही है जो कि आपके रिज्यूम लेंगे, आपसे कुछ पैसे लेंगे और इंटरव्यू के लिए जगह जगह पे भेजेंगे, तो डायरेक्ट कंपनी से आप डील कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट में निकला हुआ एमआईएस एग्जीक्यूटिव का जो जॉब है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अबाउट द एमआईएस रोल, सेंडिंग द डेटा, वीकली मंथली रिपोर्ट्स, रिलेशनशिप्स, एनालिटिक्स, द इंटर्नशिप्स, ऑर्डर एंड ऑर्डर नंबर्स, ड्राइव मेट्रिक्स, इंटरनल चाहिए इसमें, इसको वॉकिंग मूविंग एंड इक्विपमेंट भी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरमीडिएट एमएस एक्सेल लेवल। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एमएस एक्सेल को इसने इंटरमीडिएट लेवल पे मांगा है। तो इंटरमीडिएट लेवल मांगने का मतलब है कि इसके पास सैलरी जो होगी उस सैलरी बहुत कम होगी। जी हाँ, देखिए अगर एमआईएस के फील्ड में अगर कोई आपसे जो है आपका आपसे एक्सेल में इंटरमीडिएट लेवल मांगता है और वीवी वगैरह नहीं मांगता है, तो इसका मतलब है कि वो आपका सैलरी ऑफर जो है 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार के आसपास ही ऑफर करेंगे आपको, तो इसका ध्यान आप रख लीजिएगा। जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी और कंपनी में देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए एमआईएस क्यूटी पे आधार ऑपरेशन है, ये आपका वी टेक्नोलॉजी है, इसमें आप देखते हैं, ये डेल्टा लीडर्स क्लब है, इसको भी देख सकते हैं आप। तो इसमें देखिए इन्होंने कितना ज़्यादा मांगा हुआ है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और यहाँ पे गुड एमआईएस एनालिटिक्स स्किल्स होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए, और इसमें एक्सेल की नॉलेज, वीवीए की नॉलेज चाहिए होता है। कई कई जगहों पे सिक्वल भी डिमांड करते हैं, तो सिक्वल की डिमांड भी होनी चाहिए। देखिए आप देखिए एडवांस लेवल वो अंडरस्टिंग एम एक्सेस लेवल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनेजमेंट स्किल्स, गुड हैव द सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब वीवीए की बात ये कर रहा है। तो ये तो होगी जॉब्स के बारे में, इस तरह से और भी रिसर्च आप करेंगे। अब बात होती है कि एमआईएस आप सीखेंगे कहाँ पे। तो जो हमारी कंपनी, हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर है आईपी टेक्सल स्कूल, वो पर्सनली एमआईएस की ट्रेनिंग देता है और मैं खुद इसके ऊपर 17 साल से काम कर रहा हूँ, तो आपको सारी रिपोर्ट्स और सारी एमआईएस रिपोर्ट्स बनाना ही सिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें हैं, एक तो आप मेरे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो iptindia.com पे जाइए, डेमो क्लास बुक कीजिए और लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। दूसरा आता है, वो आता है आपका वीडियो क्लासेस। तो वीडियो क्लासेस के लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप, ये देखिए एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ये मेरा ऐप आएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लें, या फिर app.iptindia.com पे जाके अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद इसके स्टोर वाले पार्ट में आपको मेरे कोर्सेज दिखेंगे, और जो कोर्सेज की बात हो रही है वो बात हो रही है एडवांस एक्सेल विथ एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपके कोर्स का नाम है, ए इसमें है एडवांस एक्सेल, इसमें एडवांस एक्सेल है, वीवीए माइक्रो है, एमएस एक्सेल है, सीक्वल है एंड डैशबोर्ड्स भी है इसके अंदर। तो आप इसकी अगर कंटेंट पे जाते हैं तो इसकी कंटेंट्स आपको दिखेगी। इसमें बेसिकली जो है चार कोर्स है, पहला कोर्स है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, इसमें 125 वीडियोज है, इसमें आपको एडवांस, ये है आपको वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसमें 107 वीडियोज है, एमएस एक्सेल डेटाबेस और इसमें सीक्वल क्यूरी लैंग्वेज के साथ दिया गया है। इसमें देखेंगे तो ये डैशबोर्ड्स के बारे में भी बहुत सारा इंपोर्ट, रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड डैशबोर्ड्स की बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, वीवीए के थ्रू, विदाउट वीवीए के थ्रू, जो कि हम एक्सेल के अंदर में यूज करते हैं। अगर
अगर आप एक्सेल वाला पार्ट में जाते हैं, एक्सेल वाला पार्ट है, तो इसमें आप आएंगे तो ये आपके डैशबोर्ड का टैब मिलेगा, जिसमें देखिए 22 डैशबोर्ड्स के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि 22 आप डैशबोर्ड्स बना सकते हैं इसके अंदर। तो इस पे डैशबोर्ड्स का जो कंपोनेंट है वो आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात आती है किस में किस तरह के डैशबोर्ड्स की बात करें, तो डैशबोर्ड्स जो कि यूज होने पे जो हमारा यूज होता है ऑफिस वगैरह में, उस तरह की डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं। मैं एक डैशबोर्ड का सैंपल आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ, मैं लास्ट कुछ दिन पहले ही इसको बात उस पर बनाया है मैंने, ये ला। इस तरह की डैशबोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये डायनमिक डैशबोर्ड्स है। ये देखिए आपका पूरा तरह से डायनमिक है। अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ, फिर मंथ जून के जगह पे जुलाई किया, तो एक क्लिक पे पूरा रिपोर्ट जुलाई के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और सारा रिपोर्ट जो है यहाँ से आता है, ये आपका ये सेकेंड ओवरव्यू है, दूसरा डैशबोर्ड है, ये डेटा से आता है। और जस्ट एक बार आप यहाँ से अपना चेंज करेंगे मंथ, ये पूरा रिपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बस चेंज कीजिए यहाँ पर, तो उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरह की डैशबोर्ड आप सीखेंगे बनाना हमारे इस कोर्स में, तो फटाफट इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। 4000 रुपीज की प्राइस लगेगी, इसमें 10 साल की वैलिडिटी है, टेलीफोनिक सपोर्ट है, 10 साल की वैलिडिटी है, टेलीफोनिक सपोर्ट है। चैट सेक्शन में भी जाके आप उसे हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करें। आप कोर्स ना भी लेते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, तो प्ले स्टोर में जाइए, एक्सेल एमआईएस को सर्च कीजिए और मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप iOS पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे कॉल कीजिए। और आज डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप परचेज करना है तो प्रॉफिट मुझे इस नंबर पे कॉल करें, ताकि हम आपको डिस्काउंट्स के बारे में बता दें। थैंक यू।